स्टूडेंट्स, तो आज से फिर आपके क्लास को मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले हम आपको क्लास 9 के चैप्टर 1 को आपको पूरा पढ़ा के समझा के उसको ख़त्म कर दिया गया है, और आज हम उसमें कुछ सवाल जो आते हैं, आपको आता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आप उससे बातें करेंगे और उस पर जो कुछ भी सवाल रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने को कहे तो उसमें क्या होता है, 273 ऐड कर दिया जाता है, यानी 273 क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे इसके लिए आपका फार्मूला हो जाता है के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी इसका मतलब क्या है, यदि कोई भी आपको कहा जाएगा, कोई भी अंक आपको डिग्री सेल्सियस में दिया जाए और उसको कहा जाए किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, केल्विन में बदलिए, तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं, बस फार्मूला लिखेंगे के इक्वल टू क्या होता है, में सी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और जो कुछ भी मान आपको डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा उसको यहाँ डिग्री सेल्सियस के स्थान पर रख देंगे, यानी हमारा यहाँ पे कितना दिया गया, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो यहाँ हम रख देंगे 25 और प्लस 273, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, यानी 5, 3, 8, 7, 2, 9 और 2, यानी 298 केल्विन। ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, यानी यदि आपसे कहा जाए कोई भी सवाल हो, यदि आपसे मान लीजिए कोई भी अंक दे दिया जाए, चाहे जितना भी डिग्री सेल्सियस हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, आपको कह दिया जाए उसको क्या करिए, केल्विन में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे। चलिए हम दूसरा सवाल आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, अच्छा 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो क्या करना है, हल्के लिए हमें आपको क्या फार्मूला होता है, के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी तो हमारा डिग्री सेल्सियस में कितना मान दिया गया, 373, तो हम रख देंगे यहाँ पे 373 प्लस 273, यहाँ प्लस तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3 और 3 6, 7 7 14 के 4 आंसर ले, और 3 2 5 1 6, यानी 646 के लिए हो जाएगा। तो सुबह आपको कुछ करना नहीं है, केवल आप अगर डिग्री सेल्सियस में दिया जाए और आपको कहा जाए केल्विन में उसका मान बताइए, तो आप उसमें क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। चलिए एक और दूसरा सवाल हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए यदि आपसे कहा जाए कि -40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तब क्या करेंगे, अब माइनस है तो इससे आपको कुछ डरना नहीं है, जो चीज आपको बताया बस उसी के स्थान पर वैसे रख दीजिए। हमने आपको क्या बताया, केल्विन के लिए डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलने के लिए 273, इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो लिखिए यहाँ देखिए लिखा गया के इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस में मान हमारा कितना दिया गया, -40, या -40 लिख दीजिए, और प्लस कितना है, 273। अब यह नहीं करेंगे कि आप क्या करेंगे, 273 में 40 ऐड कर देंगे, यानी जोड़ने को कहा गया तो जोड़ देंगे, ऐसा आपको नहीं करना। अब यहाँ पे आपको वही नियम अप्लाई करना है जो गणित में होता है, यानी जब चिन्ह आपका विपरीत रहे तो जो ज्यादा रहता है ज्यादा का साइन लिखते हैं, और ज्यादा में से कम को हम घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस 273 है और यहाँ कितना है, -40 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 273 में से 40 को घटा देंगे, यानी 3 में से 0 जाएगा तो 3, और 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा, 233 के। तो इस बात को बच्चों आपको ध्यान में रखना है, मान लीजिए माइनस में दिया जाए तो आपको हड़बड़ा के इसको माइनस में नहीं करना है,
बाकी गणित के नियम के अनुसार ही आपको सारे सवाल को हल करना है। अब चलिए हम बच्चों आपको बताते हैं, केल्विन को हमने सीखा क्या, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। अब हम सीखेंगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, इसके लिए फॉर्मूला। चलिए बच्चों अब देखिए आपको क्या करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। जब आपको कहा जाए केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए, तो आपको क्या करना है, केल्विन में जो मान दिया जाएगा उसमें से हम क्या करेंगे 273 घटा देंगे। तो मान लीजिए यदि आपको कहा जाए 500 केल्विन को क्या करिए डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी यदि आपसे कहा जाए 500 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, तो आप क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाए के माइनस 273। यानी जो मान आपको केल्विन के स्थान पर दिया जाएगा वहां के स्थान पर रख देंगे, तो यहाँ रख देंगे 500 माइनस 273। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा साइन क्या विपरीत है, इसमें से हम इसको घटाएंगे, तो 0 में से 3 जाएगा तो 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 जाएगा 2, तो हमारा हो जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से बच्चों आपको कुछ करना नहीं है, जो कुछ भी आपको मान दिया जाएगा डिग्री सेल्सियस में, सॉरी केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में कहा जाएगा, तो क्या करेंगे केल्विन डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में से 273 हम क्या कर देंगे घटा देंगे। बस आज से क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।